जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। क्यों आए हो और कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? पाताल में भी होती ना तो ढूंढ निकालता। हाँ मुझे याद है। और तुम्हें याद है जब मुझे इस तरह के ख्वाब आया करते थे तो मैं तुम होश में हो? किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी के बारे में इस तरह की बात करने की? आज के बाद मेरी अम्मी के लिए कुछ भी बोलने से पहले एक दफा सोच लेना। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। ये तो बहुत खुशी की बात है। वेल डन। अब ये बताओ आगे का क्या प्लान है? मेरे प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपनी यूनिवर्सिटी में जॉब करने का मजा ही अलग। हाँ लेकिन अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। जब भी इरादा करेगी तुमसे और अपने अब्बू से जरूर मशवरा करेगी। ठीक है, तुम्हें कहीं जाना चाहिए, सेलिब्रेट करो, खुशी की बात है। हम लोग जा रहे हैं ना डिनर पे, है ना? अच्छा, किसके साथ? वो इसने ड्राइवर से कहा है आने वाला है। लेकिन बाहर गाड़ी तो नहीं है। ये कहाँ चला गया? मैंने तो कहीं नहीं भेजा इसे। शिजा ने अपने किसी काम भेजा होगा। शिजा तो घर में नहीं है। अच्छा जब तक आता है मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ बेटे। थैंक यू आंटी। मैं रफीक से पूछता हूँ कि वो कहाँ है। हेलो। हाँ रफीक, कहाँ तुम? जी मैं घर पर हूँ। तो गाड़ी कहाँ है? वो शीजा मैम ने मुझसे चाबी ले ली थी और कहा था कि आप घर चले जाएं। ठीक है, वो गाड़ी शीजा लेकर गई है। कोई बात नहीं, हम घर चले जाएंगे। नहीं नहीं, तुम आज ही जाओ मेरे साथ, मैं लेकर जाऊँ। लेकिन मैंने कहा ना इतनी बड़ी खुशी की खबर है, मैं लेकर जाऊँगा। मुझे बस 5 मिनट दो, मैं फ्रेश होकर। डन। स्माइल। वैसे एक बात तो है, मैं जिसके भी खाने की तारीफ करूं, जो बात अम्मी के हाथ के खाने में वो किसी के हाथ में। अच्छा भाई, थैंक यू। ये बात तो सच, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हैं? अगेन थैंक यू। अम्मी एक काम करें ना, इसको भी कुछ खाना वाना बनाना सिखा दें, बहुत बुरा खाना बनाती है। क्यों? मैं ऐसे कोई शेफ बना के लाई तो सिखाओ, मैं जो पकाने के लिए। अब बोलो आगे से। अब आप दोनों एक साथ हो गए हैं तो मैं क्या बोलूं? साजिश कर रहे मेरे खिलाफ। ये मेरे घर की रौनक है, काम करने नहीं आई है। जी नहीं, आज आप किचन में नहीं जाएंगे बल्कि हम लोग बाहर जाएंगे डिनर के लिए। नहीं लेकिन 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 कुछ नहीं अम्मी, मैंने रफीक भाई से कह दिया, वो कह रहे थे कि वो हमें ले जाएंगे मगरिब की नमाज के फौरन बाद। मुझे ये बताओ तुम्हें गिफ्ट कैसा है? मैंने अम्मी को डिनर पे लेके आना था लेकिन आप ले आए, तो यही गिफ्ट है मेरा। आंटी आप क्या सोच रहे हैं? नहीं बेटे कुछ नहीं, बस शिजा का सोच रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। आंटी किसी काम से गई होगी, आप परेशान ना हो। प्लीज कुछ और ऑर्डर करें। नहीं शुक्रिया बेटे। बासित नहीं आया अभी तक? आ गए थे, बड़ी बेगम साहब और निमरा बीबी को साथ लेकर गए। शीजा की कॉल। हेलो। हाँ वो निमरा का रिजल्ट आया था ना, तो मैं निमरा और आंटी को खाने पर ले आया। अच्छा होता कि तुम भी साथ। हार गया निमरा का रिजल्ट। बोला ना अभी घर वापस आओ। और
मेरे ख्याल में हमें जल्दी चलना चाहिए। जल्दी करो बेटे। नहीं नहीं आंटी, तुम आराम से करो, आप टेंशन ना ले, सब संभाल लो। मुझे लग रहा है वो तुमसे बहुत नाराज हो रही थी। मैंने कहा ना आप टेंशन ना ले, मैं सब संभाल लूं। घर जाके बहुत बदतमीजी करेगी वो। ये सब आप मुझे पहले बता चुकी हैं, और याद है वो जो चैलेंज आपने मुझे दिया था उसे मैंने कबूल किया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक दिन निम्रा और समरीन की तरह उसे भी एक नॉर्मल लड़की बनाकर आपके सामने खड़ा करूँ, ये मेरा वादा है। आप वो ठीक करें, आप प्लीज चेक लें। और कुछ? समरीन कहाँ गई थी? मेरी इजाजत के बगैर उन दोनों के साथ क्या करने गए थे? लोगों ने रफीक के साथ जाना था और मैं वहां चला गया, और अचानक से ये क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हुआ तुम्हें? कैसे लगा ये? क्या करने गए थे उन दोनों के साथ? वो बातें छोड़ो, बताओ ये कैसे लगा? फिक्र हो रही है मुझे। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। शेजा, शेजा, लगता है तुझे मेरा ख्याल नहीं है। अरे ऐसा क्यों समझ लिया तुमने चाचा? मैंने तुझसे कहा था ना, कुछ सोच, कोई हल निकाल, मुझे तेरी चाची से मिलना है। तूने पलट कर जवाब ही नहीं दिया। क्या बताऊं चाचा, कुछ समझ ही नहीं आता। एक बार तो मैंने सोचा था कि तुम्हें उनके घर ले चलूं और आ तो चलते हैं ना। नहीं, मेरी बात तो सुन लो पहले पूरी। अच्छा बोल। सोचता हूँ ये ना हो कि तुम्हारे वहां जाने से ना चाची का हंसता बसता घर अपनी तबाह ना हो जाए। जाहिर है मैं एहतियात करूंगा, किसी के सामने थोड़ी बात करूंगा उससे, बल्कि मैं तो पहचानने से इनकार कर दूंगा। नहीं नहीं चाचा, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कोई रिस्क लो। नहीं बेटा, मेरी माफी का क्या होगा? यही बात तो मुझे तंग कर रही है चाचा, कि तुम्हारी माफी का क्या होगा। एक काम करो, तुम अल्लाह ताला से माफी मांगो तो नियत देखकर ही अपने बंदों को माफ कर देता है ना। क्यों किया ये सब कुछ? ताकि तुम्हें एहसास दिला सकूं कि तुम्हारा भी बहुत जल्द ऐसा ही हशर होगा। अगर मेरी बराबरी करने की या मेरी जगह आके खड़े होने की कोशिश की तो अगली बार चीजें नहीं तुम्हारा मुंह टूटेगा। किसने किया ये सब? तुम क्या करने आ गए हो यहाँ? किसने किया ये सब? आपको पता होना चाहिए कि किसने किया है। सजा ये इसलिए क्योंकि मैं लोगों के साथ बाहर गया था। हाँ मैंने किया है, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? अंकल ने मुझे इस घर की जिम्मेदारी सौंपी है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी घर वाले के साथ ऐसा सलूक करो। और ये सब क्या है? जा निकलो यहाँ से। कौन होते तुम मुझ पर रोब जमाने वाले? रोब नहीं जमा रहा, रिक्वेस्ट समझ लो।
प्लीज घर वालों के साथ ऐसा मत करो। तुम्हारी चाहत या तुम्हारी रिक्वेस्ट मेरे सामने कोई मायने नहीं रखती। मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगी। शिजा मैंने प्लीज प्लीज आप लोग लड़ाई मत करें। चलो शिजा चलो यहां से। शिजा चलो। चाहता कि किसी को कुछ भी पता चले। जिस तरह महारानी बनकर रह रही हो ना, रहती रहो, लेकिन मुझे इतनी इजाजत दे दो कि मैं कभी कभार तुमसे और अपनी बेटी से मिल लिया करूं, यहां नहीं तो कहीं बाहर। क्या बकवास कर रहे हो, दफा हो जाओ यहां से। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आता जाता रहूंगा। वालेकुम अस्सलाम। सोई नहीं अभी तक? नहीं नहीं, आप बताइए सब खैरियत है? तबीयत कैसी है आपकी? हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन उस बेचारे शौकत की हालत बहुत गैर है। जाहिर सी बात है, मैं सालों का साथ था, महवेश भाभी की अचानक डेथ ने तो बहुत दुखी कर दिया होगा। यहाँ बहुत से लोग आए हुए, लेकिन उनके बीच में तन्हा बैठा रहता। दुआ करो कि अल्लाह उसे जल्दी सब्र दे। आमीन इंशाल्लाह। वहाँ सब ठीक है? शिजा क्या कर रही है? जी जी सब ठीक है। शिजा से आप सुबह बात कर लीजिएगा, मुझे लगता है सो गई है अब तो। ठीक है, खुदा हाफिज़। ये लो पानी पियो। शिजा क्यों करती हो ये सब तुम्हें जेब नहीं देता। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी। सुननी पड़ेगी, बैठो यहां। क्यों सबको दुख देती हो? क्यों शर्मिंदगी नहीं होती अपने किए पे? तुम्हें एहसास नहीं होता? शायद आज ना होता हो, लेकिन एक दिन होगा। तुम्हें दुख भी होगा और एहसास भी होगा, लेकिन शायद वक्त ना रहे तुम्हारे पास तब। ऐसा कभी नहीं होगा। शिजा क्यों दूर करती हो अपने आप से सबको? क्यों अपने करीब नहीं आने देती किसी को? प्लीज बदलो अपने आप को, मैं तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहता। मैं कभी नहीं बदलूंगी किसी के लिए भी नहीं। जैसी हूं वैसी रहूंगी, समझ जाओ। हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा भी नहीं रह सकती निम्रा, मेरी शहजादी। तुम यहां क्या कर रहे हो? ये मेरी बेटी है ना? नहीं। मेरी निम्रा है ना ये? नहीं, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। हट जाओ पीछे। मैं अपनी बेटी को
अपने दिल के टुकड़े को लेने आया हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते। बाप उसका, बाप नहीं, आजा। अम्मी, 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 अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटी। आंटी वो शिजा को जगा दें, समरीन के कमरे में सो रही शायद। शिजा तो चली गई है ऑफिस। चली गई, अच्छी बात। आपकी निमरा से बात हुई? किस बारे में? कल शिजा ने उसके कमरे में जाकर अपना गुस्सा सारा उसकी चीज़ों पर निकाल दिया। किस बात का गुस्सा? शायद जो मैं आपको और निमरा को लेकर गया था उस बात का। बदल जाना चाहिए अब शिजा को, कब तक ऐसा करती रहेगी? आप जानती हैं शिजा नहीं बदली, उसको बदलना उसको समझाना इतना आसान नहीं। मैंने रात को भी कोशिश की थी उसे समझाने की लेकिन वो नहीं समझे। क्या तुम आप बिल्कुल वरी ना करो, मैंने आपसे जो वादा किया है वो मैं पूरा करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। अब तुम नाश्ता तो करो। वो मैं तभी खाऊंगा अगर मुझसे आप एक वादा करेंगे। कैसी शर्त? कि मेरे जाने के बाद आप आराम करेंगे। अब ला, खाते। डैड ने जब से ऑफिस आना छोड़ा है उसके पास से जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, जितनी भी कंपनीज का हमारी डील्स हुई हैं और अकाउंट्स की सारी डिटेल्स, मुझे मेरे टेबल पर चाहिए। ओके मैम, मैं देखता हूँ। आप रुके, आपने मुझे अपनी टाइमिंग्स नहीं बताई, आपका क्या स्केड्यूल है? मैं समझा सिर्फ बस साहब को ही बताना है। नहीं, आज से आप सारी डिटेल्स मुझे देंगे, सारी रिपोर्टिंग मेरे पास होगी। ओके मैम, एक्चुअली आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं हमारी दो, और तोफैल साहब जो हैं वो बहुत डेस्परेट हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। मीटिंग आज है? जी मैम। क्या होप्स हैं? वाजिद साहब तो बहुत होपफुल है मैम। ओके आप जाएं। मैम बासी साहब तो भी आए नहीं है और उनके भाई बाहर वेट कर रहे हैं, अगर आप बोलें तो मैं आपके पास भेज दूं। उन्हें वापस भेज दें। दफा हो जाओ यहाँ से वरना मेरा शौहर और बेटा तुम्हारा हशर कर देंगे। अल्लाह पाक की कसम मैं दोबारा नहीं आऊंगा, बस मेरी एक दफा बात सुन। जल्दी बोलो क्या बात है। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। सर तो अभी ऑफिस में नहीं है और शिजा मैम कह रही हैं कि आप वापस चले जाएं। जी ठीक, थैंक यू। जी जी आप बेफिक्र रहें, मैं ऑफिस आ गई, मैं आपसे बात करवा दूँगी। सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप? ऑफिस आ गए? हाय मैं आप नहीं, तुम जाओ, मुझे घर जाना है। मैंने सर से आपकी जॉब के लिए बात की। मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी है, बस तुम्हें ये बताने के लिए आया था। हुआ क्या है? बस मुझसे जिद नहीं करो, मुझे
मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं आपको ये बताने आया था कि आपके भाई आए थे आज यहाँ। रुको, किसी से मिले थे वो? नहीं, मैम शिजा ने पैगाम भिजवाया कि उन्हें वापस भेज दूँ। वापस भेज दी? क्या है ये सब, क्यों मंगवा लिया मैंने? तुमने भाई को घर भेजा है? हाँ, मैंने फैक्ट्री कॉल करके बता करवाया था, एक्स्ट्रा वर्कर्स की जरूरत नहीं है, इसलिए भेज दिया। ये करके तुमने मेरे भाई की इंसल्ट की है। डैड की सीट पर बैठी हूँ मैं, जिस टोन में तुम मुझसे बात कर रहे हो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें भी घर भिजवा सकती हूँ। ठीक है, ऐसी बात है ना, तो ये सब खुद करो, आप संभालो। ये संभाल लूंगी, जरूरत भी नहीं है मुझे तुम्हारी। निमरा बेटे। जी अम्मी। वो बासित बता रहा था कि शिजा से तुम्हारी कोई बात हुई है। क्या पूछ रही हो मैं, क्या बात हुई है शिजा से? कुछ नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा हम बासित के साथ गए थे। इस बात का तो अंदाजा था मुझे। निमरा, कोई और बात तो नहीं हुई ना? यही बात काफी थी उनको आग लगाने के लिए। ये किस तरह की बात कर रही हो आज तो? मैं सिर्फ बात ही की, उनकी तरह आग तो नहीं लगाई। देखो बेटे, तुम्हारे अब्बू शहर में नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में मैं नहीं चाहती कि घर का माहौल खराब हो या फिर घर में परेशानी हो। ख्याल रखना है तुम्हें इस बात का। इतनी जल्दी आ गए तुम? अरे भाई ठीक है, बासित संभालता है वहां सब कुछ, लेकिन काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। मैं वहां जॉब नहीं करूंगा, मैंने मना कर दिया। क्यों? इतनी मुश्किल से बात की है बासित ने। मैं नहीं चाहता बासित के सर पे किसी का एहसान हो। तो फिर क्या करोगे तुम? हाँ, पूरी रात जाकर अपनी सेहत खराब करोगे? मेरी बात सुन लो साबिर, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी ये सब। पता है मुझे, स्टेट एजेंट से बात कर लिया मैंने, मकान बेचने के लिए दे दिया है। इमरान के साथ काम करूंगा मैं। तो भाई को फोन करूं, कह दूं कि हम फैसला बता रहे हैं? नहीं, कुछ दिन रुक जाओगी। अच्छा, तुम पानी पियोगे? ला देती हूँ।
मैम मीटिंग में एक घंटा बाकी रह गया, वासी साहब तो चले गए, ब्रीफ उन्होंने ही करना था, अगर आप ब्रीफ करेंगी तो बता दें वरना मैं उनको कॉल कर लूँ। आप मीटिंग कैंसिल करते हैं। मैम जूम इंटरनेशनल से हमारी मीटिंग है आज, वासी साहब ने आपको बताया होगा, बड़ी मुश्किल से उनकी डेट्स आज हमें कन्फर्म हुई। जब बासित इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के जा सकता है तो फिर मीटिंग भी कैंसिल हो सकती है। ओके। मेरा है। ये तुमने बनाया? रुको निम्रा, तुम किसी को पसंद करते हो? नहीं, आपने अम्मी को मेरे और शिजा की लड़ाई के बारे में क्यों बताया? वो इतनी परेशान थी, इतने सवालात कर रही थी मुझसे। वो अंदाजा मुझे हो गया था, मेरा मतलब उन्हें परेशान करने का नहीं था। I'm really sorry. Excuse me. Hello. जी अलीम साहब। अलीम साहब आप मीटिंग रूम रेडी करवाएं, मैं बस पहुंच रहा हूँ, मैं बस आ रहा हूँ। ओके। I feel a really bad strain in my neck. थक गई हूँ ना सारा दिन काम करके इसीलिए। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अच्छा बच्चों ये बताओ क्या बना लूँ तुम्हारे लिए, क्या खाओगे? अगर आपकी वो मेड कुछ भी बनाएगी तो मैं नहीं खाऊंगी, उसके हाथ का खाना नहीं पसंद मुझे। बहुत अच्छा तो बनाती है वो, पप्पो से ज्यादा अच्छा तो नहीं बनाती ना। पप्पो अगर आप मुझे अपने हाथ से बना के खिलाएंगी तो फिर शायद। चलो मैं बना देती हूँ, तुम्हारी को पसंद की चीज बताओ। ठीक है फिर वाइट कढ़ाई कर दें और वाइट राइस। चलो मैं तुम्हारी पसंद की डिश बना लेती हूँ, आ जाओ मेरे साथ किचन में, साथ साथ बातें भी करते रहेंगे। हाँ चलते हैं, पप्पो की हेल्प हो जाएगी। नहीं नहीं आई एम वेरी टायर्ड, मैं अभी इसको बता रही थी मुझे गर्दन में भी कोई दर्द है, फिर आई विल जस्ट गो होम। नहीं तुम प्लीज बैठो। नहीं नहीं क्यों, काम में लगेगी वो, जाओ तुम दोनों कमरे में जाके बैठ के बातें करो, मैं खाना बनाती हूँ और जूस भी भिजवाती हूँ तुम्हारे। ठीक है? ठीक है। मेरा बैग। सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है, तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे चेहरे से यही लग रहा था कि कोई बात जरूर है। निम्रा मॉम और बासित आपस में मिल गए हैं, इसीलिए मैंने आज से ऑफिस ज्वाइन किया बासित पर नजर रखने के लिए। तो फिर क्या अंदाजा हुआ? आज तो फर्स्ट डे था और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, शायद बासित को मेरी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हुई इसलिए वो चला गया। मीटिंग हैंडल नहीं कर पाई मैं, कैंसिल कर दी इसलिए आ गई हूँ। एनीवेज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, यू टेल मी व्हाट्स अप।
तुम किसी को पसंद करते हो। बहुत बुरा हुआ, बासित भाई की नजरों में स्केचेस ना ही आते तो अच्छा था। कितना गलत समझा उन्होंने, एकदम से ऐसा सवाल करके मुझे तो शर्मिंदा ही कर दिया उन्होंने। मैं उन्हें क्लियर कर दूंगी कि मैं अपने बाबा के स्केचेस बनाती हूँ। उफ़ खुदाया। अच्छा दी, तुम ऐसा करो हमारे साथ डिनर पर चलो, वापसी पे हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है, कबाब में हड्डी बनने का शौक नहीं है मुझे। कबाब में हड्डी नहीं बनोगी, वैसे भी पुप्पो भी तो हमारे साथ चल रही है, तुम भी चलो। पुप्पो भी साथ जा रही है क्यों? मैंने और रोहान ने कहा हमारे साथ चलने को, घर पे बैठ के क्या करेंगे वो। लिसन टू मी समरीन, अब वो तुम्हारी पुप्पो नहीं तुम्हारी सास बन चुकी है, और उन्हें हर जगह अपने साथ लेके जाना जरूरी नहीं है। उन्हें मना कर दो और तुम दोनों अकेले जाओ। लेकिन अब तो हम प्लान कर चुके हैं। तो पत्थर पे लकीर तो नहीं बन गया ना ये प्लान, कैंसिल कर दो, कोई एक्सक्यूज कर दो उन्हें। लिसन टू मी समरीन, अपनी मोहब्बत को अपनी मुट्ठी में रखो, दूसरों के साथ मत बांटो। आप तो जानते हैं शेजा की फितरत कैसी है, मैं बहुत मुश्किल से वक्त गुजार रहा हूँ वहाँ, लेकिन सर के आते ही एक दो दिन में आपकी जॉब की बात कर। बात जॉब की नहीं है यार, मैं तो तुम्हें वहाँ मना ही करने के लिए आया था भाई। मुझे ना सर ने पे ऑफर की थी अच्छी, मैंने उन्हें पहले मना कर दिया था, लेकिन अब मैं डिमांड करूँगा उनसे कि मुझे वही चाहिए, उसमें आप दोनों का बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा। क्यों मुझे मेरी नजरों में गिराना चाहते हो? तुम पर बोझ बन के जिंदगी नहीं गुजार सकता बासित। कुछ करते हैं हम, कुछ सोचते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सोच लिया है ना हमने, कुछ दिनों में जा रहे हैं बस। हाँ वो मैंने सोचा है मैं अपना कुछ काम करूंगा। अच्छी बात है भाई काम करना, लेकिन काम के लिए तो पैसे चाहिए होंगे। ये घर बेच रहे हैं ना हम, वो मेरा भाई है ना इमरान फैसलाबाद वाला, उनके साथ मिलके काम करेगा ये। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम करते हैं वो कपड़े का। ये मकान बेच रहे भाई, ये मकान अम्मी और अबू की निशानी है, अबू के खून पसीने की कमाई से बनाया ये घर। अबू ये मकान आप कैसे बेच सकते हैं भाई? तुम तो करोड़ों में खेल रहे हो, तुम ही खरीद लो ना ये घर, सारी जिंदगी आते रहना देखते रहना इस घर को, क्योंकि तुम्हारी बीवी तो इतनी नकचढ़ी है कभी जिंदगी में रहेगी नहीं इस घर में। बंद करो अपनी ये बकवास भाई प्लीज। भाभी को कुछ पता है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप भाभी को डांटते हैं। बासित तुम्हें सब हालात का पता है, ये फैसला मैंने बहुत मजबूरी में उठाया है, तुम्हें तुम्हारा आधा हिस्सा मिल जाए। दोबारा यहाँ मुझे बड़ी बेगम साहिबा से मिलना है। वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, चले जाओ यहाँ से। उनसे मिले बगैर तो मैं जाऊंगा नहीं। अच्छा रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, बेगम साहिबा का भी यही हुक्म है। बड़े नमक हलाल हो ना तुम उनके, मेरी बात गौर से सुन लो, अगर तुमने पुलिस को बुलाया ना तो उन्हीं की रुसवाई होगी, बदनामी हो जाएगी। बस आखिरी बार जाके बेगम साहिबा को बता दो मैं आया हूँ, उसके बाद जो वो कहें वो कर लेना। रुको तुम, तो
जल्दी आ जाओ अलमास, तुम्हारा लड़का ना आ जाए। मुझे माफ कर दे भाई, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। तुम रुको, मैं देख लेती हूँ, जाओ। कैसी हो अलवास? मैं तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से? ईमान से मैं नहीं आता, मजबूरी में आया। मुझे तुम्हारी किसी मजबूरी से कोई मतलब नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से वरना मेरा शौहर और बेटा तुम्हारा हशर कर देंगे। अल्लाह पाक की कसम मैं दोबारा नहीं आऊंगा, बस मेरी एक दफा बात सुन लो। जल्दी बोलो क्या बात है। इतने बड़े बंगले में रहती हो तुम, मेरी हालत देखो, उसी तरह बुरे हालों में हूँ, तुम्हारे तो नसीब चमक गए। फजूल बातें बंद करो, जो कहना है वो कहो और दफा हो जाओ। थोड़ी सी मदद कर दो, चला जाऊंगा। तुम्हें अल्लाह ने इतना नवाजा है, ये सोचने में टाइम क्यों जाया कर रही है? कोई आ गया ना तो तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, मैं भिजवाती हूँ पैसे। सुनो अलमास, आने जाने में क्यों टाइम जाया कर रही हो? ये है ना, ये दे दो, बेच के पैसे तो आ ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, दफा हो जाओ यहाँ से। जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा।